आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे एल्काइन्स के बारे में, ठीक है। एल्काइन्स जो कि क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो कार्बन। अब देखो जो एल्काइन्स है ना, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो ये जो आप एल्काइन है ना, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो अगर एल्काइन्स में आपको एक फॉर्मूला चाहिए जितने भी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको बनाने के लिए, तो वो है आपका CnH2n-2, ठीक है। ये फॉर्मूला काय के लिए है, एल्काइन्स के लिए, ठीक है। एल्काइन्स अगर आपको बनाना है तो उसके लिए एक ईजी सा फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो ये मीथेन पे वैलिड नहीं है, है ना, पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं आपके ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये मीथेन पे वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है ना, मीथेन पे क्या नहीं होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं। तो अब देखो किन किन पर वैलिड होते हैं उन्हें हम देखते हैं, है ना। और उससे पहले एक बात और जान लो, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में होता है, मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कार्बन एटम्स के बीच में, कितने, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे जो फर्स्ट था आपका वो मिथेन था, ठीक है, तो मिथेन वैलिड नहीं है। फिर जो सेकंड है आपका वो है इथेन, है ना, इथेन जो होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आयन ग्रुप है ना, एल्काइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइन, ठीक है, क्योंकि हम इथाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इथाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इथाइन लिखेंगे, इथाइन क्या होता है, 2 कार्बन एटम होता है, ठीक है, 2 कार्बन एटम से जुड़ के बना होता है, ठीक है। तो इसका इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो 2 को हम यहाँ रखेंगे तो C2 2^4-2, तो आपके पास आएगा C2H2, ठीक है, ऐसा आपके पास आएगा, है ना। अब चलो इसका अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हमने बना दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है, कोई 2 कार्बन एटम्स के बीच में, ओके, बिटवीन 2 भी लिख लेना यहाँ पे, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे इजीली हम कर देंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी है, जब इस कार्बन को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो इससे ले लेगा, और जब इस कार्बन को जरूरत होगी तो वो इससे ले लेगा, ठीक है, इस तरह की शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, H2 है, है ना, और यहाँ पे देखो कार्बन के पास कितने हैं, 3 है, है ना, कार्बन के पास 3 है, और जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है, एटॉमिक जो नंबर होता है कार्बन का वो कितना, एटॉमिक जो नंबर होता है कार्बन का वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो उसके जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो एल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने रहते हैं, 2, 8, है ना, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 8, लेकिन यहाँ पे 4 ही है, तो उसे 4 और चाहिए रहेंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए रहेंगे, तो क्या करेगा, वो इजीली हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H2 है, तो एक बना लेगा यहाँ पे H के साथ, तो देखो 4 कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएंगे, और वो ऐसे इधर ये वाला कार्बन भी करेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका इथाइन का, जो कि 2 कार्बन एटम होता है। अब इसके बाद देखते हैं, तो इथाइन के बाद जो है आपका वो है प्रोप, है ना, प्रोप, तो वो हम लिख देंगे प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है, प्रोपाइन है 3 कार्बन एटम, ठीक है, मतलब 3 कार्बन एटम से मिलके बना है ये। अब देखो इसको जो 3 है इसे हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम से मिलके बना है, ठीक है, तो 3 को यहाँ पुट करेंगे तो C3 2^3 = 6-2 यानी कि 4, यानी कि C3H4, ठीक है, ऐसा होगा कुछ, है ना, C3H4 3^2, हाँ ठीक है। चलो अब इसे हम बनाते हैं, तो देखो वापिस से 3 कार्बन हमने लिख दिए, ठीक है, कितने, 3 कार्बन से C3 3 कार्बन लिख दिया। अब देखो कोई 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, है ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो पहले यही जेली कहानी हो गई, यहाँ पे भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक और चाहिए तो इजीली एक से कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसे कितने, 1, 2, 3 और 4, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए रहते हैं। तो देखो 4 तो इसके पास हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसके पास 4 तो हो गए, ठीक है, मतलब अब ये एक भी हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये वाला कार्बन है इसने 1
सिंगल बॉन्ड बना रखा है ये वाले कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये तीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रोपाइन का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्या होता है, फोर कार्बन एटम होता है, जिसमें क्या हो चार कार्बन एटम हो, फोर कार्बन एटम से मिलके बना हो जो, ठीक है। तो इसे भी इजीली फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए सी फोर आ जाएगा, ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो इजीली पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी फोर, है ना, और टू फोर जाएगा माइनस टू एच सिक्स, सी फोर एच सिक्स, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने कार्बन से, फोर कार्बन से, ठीक है, है ना, फोर कार्बन से। अब कितने हाइड्रोजन, सिक्स हैं, है ना। उससे पहले यहाँ पे देखो, कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, कहीं पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बस एक ही जगह बनाना, ठीक है, दो कार्बन एटम्स के बीच में होता है। तो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन है, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने कर रखी है इस वाले कार्बन के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ इसे एक ही करना है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला है, इसने चार कर रखी है, इसको मतलब कोई इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, इसका पूरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो ये वाला कार्बन है, इसने देखो एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ कर रखी है, तो इजीली इसे एक और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ करनी पड़ेगी। अब देखो जो ये वाला कार्बन है, इसने बस एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है इस वाले कार्बन एटम के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है इस वाले के साथ, तो ये तीन हाइड्रोजन के साथ बना देगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है आपका ये पूरी तरह सही है, ठीक है। आप गिन के देख लेना, देखो पूरे फोर हाइड्रोजन है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सॉरी देखो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हाइड्रोजन है, ओके। अब ब्यूटाइन के बाद हम देखते हैं आपका पेंटाइन, है ना, पेंटाइन इजी सी बात है, पेंटाइन है, तो ये क्या होगा, फाइव कार्बन एटम होगा, फाइव कार्बन एटम, ठीक है, फाइव कार्बन एटम है ये। अब देखो फाइव कार्बन एटम है, तो इसका फॉर्मूला बना देते हैं इजीली, देखो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला है एल्काइन के लिए, तो हमारे पास आएगा सी फाइव टू फाइव डेटेन माइनस टू सी फाइव एच एट, ठीक है, ऐसा आएगा हमारे पास सी फाइव एच एट। तो इजीली हम बना देते हैं, सबसे पहले कार्बन कितने हैं, पाँच, तो पाँच कार्बन लिख देते हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है, पाँच कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, एट, ठीक है, तो कहीं सबसे पहले कहीं एक जगह कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो इस बार यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस बार मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब देखो ये वाला कार्बन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोले या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोले, दो ही सही रहेगा, है ना। तो इसने इसके साथ बना रखा है, तो इजीली ये क्या करेगा, इसे तीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फोर इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए रहते हैं, तो एक तो इसने इस कार्बन से ले लिया, तो तीन हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। फिर ये वाले कार्बन की बात करें, तो इसने एक एक ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन से कर रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो इजीली ये दो हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। फिर जो ये वाला कार्बन है आपका, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, इसने एक इससे ले रखा है और तीन इससे ले रखा है, ठीक है, एक इससे ले रखा है और तीन इससे ले रखा है, तो इसे ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसको चार इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। अब देखो ये जो सी है, ये वाला सी जो है आपके पास, देखो इसने भी ऐसे कर रखा है, इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स इससे ले रखे, शेयरिंग कर रखे, ना, तो इसको भी क्या चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, बस इसके पास देखो एक कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है इस कार्बन के साथ, तो बस ये तीन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, दोनों ही सही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्काइन ग्रुप, है ना, तो इसी तरह के आप बन सकते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप एक फोर मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो जरूर कमेंट करें मुझे, ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है तनिष्क 1945, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहे, बाय।